दोस्तों क्या आप Xiaomi के फैन हो या फिर आप एक हाई बजट स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप एक बहुत ही कमाल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आगे आप देखते रहिए। मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत ही कमाल का शानदार Xiaomi का स्मार्टफोन लेके आया हूँ इस बार, जो कि आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगा, मुझे ये उम्मीद है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो आपका ही अपना चैनल बिंगस के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम Xiaomi Mi Mix 2S के बारे में। हालांकि Mi Mix 2 का ही अपग्रेड वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूव की गई है फ्लैगशिप के मामले में। तो दोस्तों बेसिकली कुछ दिन पहले आया था सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस, हालांकि बहुत ही दमदार फ़ोन है लेकिन इसका प्राइस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। लेकिन Xiaomi का अगर फोन इस तरह से आपको मिलता तो शायद कुछ हद तक प्राइस कम हो जाता है। इसका प्राइस तकरीबन 38 से 40 हज़ार के आसपास हो जाते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी S9 या फिर S9 प्लस में शायद कुछ हम रिकमेंड कर सकते थे कि एक बहुत ही हाई बजट स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च कर दिया। हालांकि इसमें आपको तरह तरह का फीचर्स मिलता है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की गई है कैमरे क्वालिटी, जैसे कि डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, आई स्कैनर, बहुत सारे फीचर्स सैमसंग ने डाली है इस S9 और S9 प्लस में। बहुत ही कमाल का फ़ोन है, डबल थम्स अप वाला, लेकिन प्राइस के मामले में ये एक हाई बजट स्मार्टफोन है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ Xiaomi 27 मार्च को लेकर आ रहा है Xiaomi Mi Mix 2S, जो कि बहुत ही कमाल का शानदार स्मार्टफोन साबित हो सकता है। दोस्तों Xiaomi के फ़ोन में अगर आपको तरह तरह का फीचर्स मिलता है लेकिन वो एक बजट डिवाइस होता है, तो उम्मीद क्या है Xiaomi से कि ये Mi Mix 2S भी शायद बजट डिवाइस हो। अगर बात करें लीक्ड हुए स्पेसिफिकेशंस की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं Xiaomi Mi Mix 2 में आपको बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 5.99 इंचेस क्वाइट HD प्लस कार्ब कोनिंग गोरिल्ला ग्लास के साथ बनाया गया है Xiaomi Mi Mix 2S। साथ में आपको 18:9 का स्पेक रेशियो मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा फील देखने को मिलता है इस फोन को, जो कि बिना वेजल का फोन होगा। टॉप में शायद हल्का सा आपको वेजल देखने को मिल जाए, लेकिन शायद आपको इसमें वेजल देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन है वो रिड्यूस की गई है और साथ में आपको तरह तरह का फीचर्स तो Xiaomi के फोन में मिलता ही है, जैसे कि एंड्रॉयड ओरियो का तो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन जो एंड्रॉयड ओरियो का लेटेस्ट अपडेट है एंड्रॉयड 8.0 के बाद, वही आपको Xiaomi Mi Mix 2S में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं सैमसंग गैलेक्सी S9 में आपको 3000 mAh की बैटरी मिलता है, S9 प्लस में आपको 3500 mAh की बैटरी मिलता है, और साथ में आपको Mi Mix 2S में 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हालांकि ये बात सामने नहीं है, क्विक चार्ज तो सपोर्ट करता है लेकिन डैश चार्ज को Xiaomi सपोर्ट करता है कि नहीं, ये अभी तक लीक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों 27 मार्च तक आप वेट कीजिए, चाइना में लॉन्च होने जा रहा है Xiaomi Mi Mix 2S। दोस्तों इसमें कैमरे भी कुछ इंप्रूव की गई है, हालांकि इसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा होगा, मेरे ख्याल से डुअल रियर कैमरा का सेटअप होगा, लेकिन कितना मेगापिक्सल का होगा ये सामने नहीं आया है। लेकिन सोनी का सेंसर यूज किया गया है इस कैमरे में, जो कि IMX363 का सेंसर यूज किया गया है, जो कि बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन साबित होगा कैमरे के मामले में, और तरह तरह का सेंसर जैसे कि फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं इस बार आपको डिस्प्ले में ही Mi Mix 2S में डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi का एक पुराना आदत है। लेकिन इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक गाइड मिलेगा, ये तो बेसिकली हर फोन में देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसमें S9 और S9 प्लस में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल गया है ईयरफोन वाला। तो दोस्तों बहुत ही जल्द Xiaomi लेके आने वाला है सैमसंग Mi Mix 2S। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर। तो इसका मेन हाइलाइटिंग फीचर होगा कि इसका डिस्प्ले, जो कि है एक OLED डिस्प्ले शायद हो सकता है, लेकिन अभी तक लीक्ड हुए स्पेसिफिकेशंस के माने तो इसमें आपको क्वाड HD प्लस का ही डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कर देना। अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।